नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर टेकी। एक और टेक वीडियो अपने चैनल पर लेकर आया दोस्तों। नए सेटअप में आप सबका स्वागत है। थोड़ा सा हमने यहाँ पर सेटअप चेंज किया है ऑफिस में। कल मैंने लाइव स्ट्रीम में दिखाया था और हमें यहाँ पर सिल्वर प्ले बटन भी मिल गया है यूट्यूब की तरफ से। फिलहाल अभी यहाँ रखा हुआ है मेरे पास। सो अभी मैं सोच रहा हूँ उसको मैं कहाँ लगाऊंगा। बहरहाल इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ मोटो G6 प्ले की अनबॉक्सिंग एंड दूंगा कम्प्लीट ओवरव्यू इस डिवाइस का और अपने फर्स्ट इंप्रेशन। सो ये बेसिकली यहाँ पर एक रिटेल यूनिट है जो मैंने लिया है 12,000 रुपए का एंड फ्लिपकार्ट से इसको खरीदा है। तो जरूर देखिए इस वीडियो को एंड तक और जानिए कंप्लीट डिटेल्स मोटो G6 प्ले के बारे में और एक छोटा सा कंपैरिजन भी आपको देखने को मिलेगा यहां पर मोटो G5S प्लस में जो इससे सिर्फ 1,000 रुपए ऊपर मिलता है। सो चलिए दोस्तों फटाफट अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं एंड लेट मी रिमूव दिस सील फर्स्ट। ऑलराइट, सो सबसे पहले यहाँ पर मिट्टी कैसे आ गई अंदर। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। तो पहले मिलता है डिवाइस, ऑलरेडी एक टेम्पर्ड ग्लास चढ़ा हुआ है एंड बैक केस लगा हुआ आया है। नाइस थिंग। एंड उसके अलावा चेक करते हैं और क्या कंटेंट है यहाँ पर। सो एक सिम इजेक्टर टूल मिलता है, यहाँ पर कुछ गाइड इंफॉर्मेशन एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन। So we get a charger and we get a micro USB charging data cable. Right, that's a micro USB charging data cable. And यहाँ पर normal 3.5 mm in-ear type headphones हैं यहाँ पर and normal plasticky feel है. So I still have to check the quality of these headphones. And charger की यहाँ पर output rating भी एक बार check कर लेते हैं। तो ये एक तरह का टर्बो पावर चार्जर लिखा हुआ है यहाँ पर एंड यस फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट यहाँ पर दी गई है। सो व्हाट वी गेट इज 5 वोल्ट 3 एम्पियर, 9 वोल्ट 1.6 एम्पियर एंड 12 वोल्ट 1.2 एम्पियर। सो फॉर श्योर फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाती है एंड ये सब बॉक्स कंटेंट्स आपको मिलेंगे जब आप इस डिवाइस को परचेज करते हैं। सो आई'ल नाउ क्विकली सेट दिस अप एंड ये सामान सारा हटाकर मैं इस डिवाइस को सेटअप करता हूँ एंड देन आई विल वॉक यू ओवर थ्रू द ओवरव्यू ऑफ दिस डिवाइस। सो राइट दोस्तों, यहाँ पर मैंने सेटअप कर लिया है एंड फोन अभी फिलहाल रेडी हो चुका है यहाँ पर। एंड फर्स्ट लुक में वॉलपेपर अगर मैं चेंज कर दूँ तो एज इट इज मुझे मोटो G5S प्लस की यहाँ पर याद दिलाता है ये फोन एंड फिलहाल देखने में श्योरली एक रिफ्रेशिंग लुक है। एक मिनट, ये कवर उतार लेते हैं। ये बेसिकली एक तरह का हार्ड केस लग रहा है मुझे यहाँ पर, एक प्लास्टिक केस नहीं है। इट्स वेरी टाइट हेयर एंड लेट मी रिमूव इट। नो, इट इज अ रबर केस बट काफी ज्यादा टाइटली पैक था तो इसलिए शायद ऐसा लग रहा था कि ये एक प्लास्टिक टीपीयू केस नहीं है। ऑलराइट, ओके। सो इसको देखकर ये मत समझिएगा ये ग्लास है, ये एक तरह का प्लास्टिक है, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक लगाया है यहाँ पर एंड ये ग्लास नहीं है। एंड स्मजेज आप देख सकते हैं, नॉर्मल उंगलियों के निशान भी कैसे यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। बट डिज़ाइन नो डाउट बहुत प्यारा लगता है एंड मोटोरोला की ब्रांडिंग दी गई है नीचे की तरफ एंड ओवरऑल इट्स अ रिफ्रेशिंग डिज़ाइन। श्योरली यहाँ पर जो ये डिज़ाइन है हमें याद दिलाता है मोटो X4 की, ऐसा ही आपको सिमिलर डिज़ाइन वहाँ पर देखने को मिलता है। बट दैट इज लाइक दैट कम्स विद अ ग्लास बैक, बट यहाँ पर आपको एक प्लास्टिक बैक जो है दी गई है। एंड देखिए कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर डिटेलिंग है। मोटोरोला का जो यहाँ पर साइन दिया गया है ये दिया गया है फिंगरप्रिंट सेंसर के ऊपर एंड फिंगरप्रिंट सेंसर भी मैंने यहाँ सेटअप कर लिया था एंड इट इज़ वर्किंग फ्लॉलेसली। सो एक छोटा सा फिजिकल ओवरव्यू देता हूँ आपको दोस्तों डिवाइस का। ऊपर की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिलता है एक कैमरा, ये एक 8 मेगापिक्सल का कैमरा है एंड मिलता है साथ में ईयर पीस एंड यू गेट अ सॉफ्ट फ्लैश, एक फ्रंट फेसिंग फ्लैश भी दी गई है। सो नीचे आएंगे दोस्तों तो आपको मिलता है 5.7 इंच डायगनली एक IPS LCD डिस्प्ले
एंड यहाँ पर आपको 720p+ मतलब यानी HD+ रेजोल्यूशन दी गई है, 720x1440, एंड ये एक IPS LCD डिस्प्ले है विद 16 मिलियन कलर्स। एंड उसके अलावा अदरवाइज यहाँ पर आपको अगेन नई एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाती है, जो है 18:9, जो नया है, मतलब अंडर 10,000 मोटो जी सीरीज में पहला डिवाइस है जो 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। एंड उसके अलावा यहाँ पर ऑन स्क्रीन नेविगेशन कीज दिए गए हैं, हालांकि हेड और चिन अभी भी काफी बड़ा है, बट यहाँ पर देखने वाली बात है कैसे राउंडेड कॉर्नर्स दिए गए हैं यहाँ पर डिस्प्ले के, सो दिस इज लुकिंग नाइस। एंड अदरवाइज आपको यहाँ पर मोटोरोला की ब्रांडिंग मिल जाएगी नीचे की तरफ। अच्छा, पीछे आएंगे तो अगेन सिंगल कैमरा सेटअप है, ये जो सर्कुलर कैमरा है ये बेसिकली अब ये एक तरह की आइडेंटिटी बन गई है जी सीरीज की। एंड उसके अलावा मोटोरोला की ब्रांडिंग दी गई है फिंगरप्रिंट सेंसर पे, जो मुझे बहुत ही बेहतरीन लगी है। यहाँ पर आएंगे तो आपको मिलता है वॉल्यूम रॉकर कीज एंड पावर बटन, एंड काफी अच्छे तरीके से प्लेस्ड हैं बटन, एंड दे आर वेरी टैक्टाइल, काफी टैक्टाइल है बटन यहाँ पर। एंड प्लेसमेंट भी थोड़ी मुझे लगी कि जो वॉल्यूम कीज हैं, अगर मैं एक हाथ से यूज करना चाहता हूँ फोन, तो काफी मुश्किल हो जाते हैं, मुझे थोड़ा सा ऊपर उंगली लेकर जानी पड़ेगी तब मैं वॉल्यूम कीज को एक्सेस कर पाऊंगा। बट जो पावर बटन की प्लेसमेंट है वो परफेक्ट लगती है, एक सिंगल हैंड में मैं आराम से पावर बटन में यहाँ पर रीच कर पाता हूँ। अदरवाइज सिम कार्ड स्लॉट को भी चेक कर लेते हैं। राइट, सो सिम कार्ड में हमें यहाँ पर दिए गए हैं डुअल सिम कार्ड स्लॉट विद अ डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड, एंड यहाँ पर आप 256 GB तक का कार्ड लगा सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ऊपर की तरफ आपको मिल जाता है यहाँ पर 3.5 mm हेडफोन जैक, एंड एक सेकेंडरी माइक्रोफोन भी दिया गया है विद डायरेक्ट नॉइस कैंसिलेशन। एंड नीचे आएंगे तो एक माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, एंड ऑल्सो यू गेट अ प्राइमरी माइक्रोफोन। तो दोस्तों, रेयर में कैमरा लगाया गया है, ये एक 12 MP का सेंसर है विद f/2.2 अपर्चर, फेस डिटेक्शन, ऑटो फोकस आपको यहां पर मिल जाता है, एंड सिंगल LED फ्लैश दी गई है। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा यहां पर जिस तरीके से मोटोरोला की ब्रांडिंग की गई है फिंगरप्रिंट सेंसर के ऊपर, एंड फिंगरप्रिंट सेंसर भी काम कर रहा है एंड इट इज फास्ट एंड एक्यूरेट। एंड अदरवाइज लाइक ऐसा कभी रेयर एनकाउंटर हो रहा है कि जहां पर ये फिंगरप्रिंट सेंसर ना काम कर रहा हो, बट अदरवाइज ये देखने में थोड़ा सा अनलॉकिंग मुझे हल्की सी स्लो लगी है यहाँ पर। चलिए अब जरा हार्डवेयर के ऊपर गौर कर लेते हैं इस डिवाइस का। फिलहाल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में ये डिवाइस थोड़ा सा अपने प्राइस के हिसाब से जो है सही यहाँ पर नहीं लगता है, क्यों मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। फिलहाल जो सॉफ्टवेयर आ रहा है वो तो आ रहा है एंड्रॉइड ओरियो, दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ पॉजिटिव पॉइंट, आउट ऑफ द बॉक्स आपको ओरियो अब मिलना शुरू हो गया है। हालांकि एंड्रॉइड पी आ रहा है, पॉपसिकल आने वाला है, बट ओरियो अब यहाँ पर आपको मिल रहा है आउट ऑफ द बॉक्स, मोटो G6 सीरीज में आना शुरू हो चुका है। एंड हार्डवेयर एस्पेक्ट में मैं बात करूँ प्रोसेसर की, प्रोसेसर में आपको मिलता है यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 430 चिपसेट, एंड 3 GB की रैम दी गई है, और जो इंटरनल स्टोरेज है वो है 32 GB की। एंड फिलहाल तो डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट है, आप लगा सकते हैं एंड यू कैन यूज इट फॉर सेविंग योर फोटोज एंड वीडियोज। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर रैम मुझे लगता है 4 GB की होनी चाहिए थी इस प्राइस रेंज में, 12,000 रुपए पे इसको लॉन्च किया गया है, एंड वहां पर आप दे रहे हैं स्नैपड्रैगन 430। सो वो एक चीज मुझे यहाँ पर जरूर खा रही थी कि 12,000 रुपए में स्नैपड्रैगन 430, और अब अपना कंपटीशन देखिए कितने प्राइस पे स्नैपड्रैगन 430 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इन्फिनिक्स हॉट S3 अगर हम ले लें, या और भी कितने फोन ले लें, रेडमी 5 ले लें, सो 12,000 रुपए में एक 430 चिपसेट, इट्स नॉट अ गुड डील। बट मोटरोला ने अपने डिजाइन को काफी रिफ्रेश किया है, एंड वो मुझे लगता है उसी पे ही काउंट कर रहे हैं और उसी पे ही ज्यादा फोकस है उनका। बट प्राइसिंग मुझे लगता है 10,000 या 10,000 से कम रखनी चाहिए थी यहाँ पर मोटरोला को। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर अगर हम कैमरा ऑप्टिक्स की तरफ चलते हैं, सो रेयर, लेट मी सी, लेट मी क्लिक सम पिक्चर्स हियर। सो शटर बटन, शटर स्पीड काफी अच्छी है, एंड फिलहाल जहाँ पर चेक करते हैं, सो आप देख सकते हैं कैसी फोटोज यहाँ पर आई हैं। फिलहाल इंडोर लाइटिंग में मैंने अभी ये फोटोज ली हैं, एंड आई डोंट सी पिक्चर्स मच पिक्सेलेटेड हेयर, ज़्यादा नॉइज तो नहीं आ रही आर्टिफिशियल लाइट में। एंड लेट मी क्लिक सम मोर पिक्चर्स, देखिए ऐसी कुछ पिक्चर क्वालिटी यहाँ पर मुझे फिलहाल देखने को मिल रही है, जो अपने में काफी अच्छी है।
आई से, बट आई स्टिल हैव टू टेस्ट इट आउट. आई गेट, मैं सेपरेट कैमरा रिव्यू इस डिवाइस का जरूर लेकर आऊंगा. एंड यहाँ पर सेटिंग्स को अगर हम चेक करते हैं, वीडियो फाइल साइज, सो हमें मिलती है यहाँ पर 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकेंड. एंड चलिए फ्रंट कैमरा को भी एक बार यहाँ पर टेस्ट किया जाए. सो डेडिकेटेड कैमरा बटन दिया गया है फ्रंट कैमरा के लिए, एंड कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको नजर आएगा. एंड ऊपर आप देख रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी S9 Plus से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ फॉर दी ओवरहेड शॉट. सो लेट मी क्लिक सम पिक्चर्स हियर. ओके, सो पिक्चर देखते हैं कैसी आ रही है. जी, सो लाइटिंग में, नॉर्मल लाइटिंग में फेस पे आप देख सकते हैं फीचर्स अच्छे से कैप्चर्ड हो रहे हैं यहाँ पर. सो आर्टिफिशियल लाइटिंग में जो कंडीशन है फिलहाल, तो अभी जो डिवाइस से फोटोज आ रही हैं वो इतनी भी बुरी नहीं है, बट एक डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू जरूर यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा आपको इस चैनल के ऊपर. बट इट विल टेक सम टाइम, एंड आपको 2 या 3 वीक्स के अंदर मैं इसका कंप्लीट रिव्यू जरूर लेकर आऊंगा. सो राइट दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा कंपैरिजन मैं कर रहा हूँ. है तो मोटो G6 Play मेरे पास, एंड यहाँ पर है मोटो G5S Plus. सो सामने देखने में, साइड बाय साइड आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये दोनों डिवाइसेस लगते हैं. मैंने पहले ही कहा था जो फ्रंट लुक है, बस जिस तरीके से वॉलपेपर हम चेंज करते तो पूरा ही मोटो G5S Plus ही नजर आता है. एंड जो फर्क यहाँ पर नजर आ रहा है वो आप देख सकते हैं. दोनों डिवाइसेस को मैं अगर मैं साथ में रखता हूँ तो ऑलमोस्ट सेम साइज है, बट डिस्प्ले का साइज थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पर, 5.7 इंच है. बट देखा जाए कौन सा पतला है डिवाइस, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा डिवाइस यहाँ पर पतला हो गया है एज कम्पेयर टू मोटो G5S Plus. एंड दूसरी चीज जो यहाँ पर हमें देखने को जो नजर आती है, आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर एंड्रॉयड ओरियो है. एंड फिलहाल ये अभी जो आपको पड़ रहा है करीब 12 या 13 हजार रुपये का मिल रहा है, ये अवेलेबल है ऑनलाइन अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे. एंड डुअल कैमरा सेटअप, डुअल फ्लैश मिलती है, बट यहाँ पर जो इसका वीक पॉइंट है वो कैमरा ही है. एंड उसके अलावा इसमें 3000 mAh की बैटरी है, यहाँ पर आपको 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है. बट प्रोसेसर में यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 625 मिलता है, यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 430 मिलता है. श्योरली 625 एक अच्छा प्रोसेसर है, बेटर प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 430 से. बट इसमें कमियाँ हैं, जो ये है वो इस साल का जो डिज़ाइन लैंग्वेज है 18:9, 2018 का फैशन चल रहा है वो अभी फिलहाल जो है आपको नहीं देखने को मिल जाता. यहाँ पर बड़ी स्क्रीन थोड़ा सा मोटा लगता है फोन, और ये थोड़ा सा पतला भी लग रहा है इसके मुकाबले. एंड मेटालिक फिनिश है, बट यहाँ पर ये ग्लॉसी प्लास्टिक फिनिश दी है तो काफी जल्दी यहाँ पर स्मजेज आते हैं. अब ये देख लीजिए, इतने महीने पुराना फोन है बट एक भी स्क्रैच यहाँ पर नहीं है, कितना भी आप इसको यूज कर लीजिए स्टडी है एंड कोई प्रॉब्लम नहीं. इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर नीचे की तरफ दिया गया है, क्योंकि चिन काफी बड़ी है, यहाँ पर पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट सेंसर आ चुका है. सो ये बेसिक डिफरेंस है यहाँ पर इन दोनों डिवाइसेज में. ये कंप्लीट ओवरव्यू था दोस्तों डिवाइस का, एंड मैं अपने फर्स्ट इंप्रेशन तो यही कहना चाहूंगा, डिवाइस मुझे पर्सनली प्यारा लगा है. बट एक चीज की यहाँ पर जो मुझे कमी लगी है, एक तो इस प्राइस रेंज में आप डुअल कैमरा सेटअप एक्सपेक्ट करते हैं 12000 का अगर आप दे रहे हैं, यहाँ पर आप सिंगल दे रहे हैं एंड वो चीज़ नहीं है. बट अगर आपको यही चीज़ देनी थी तो आप इसको 9000 के आसपास लॉन्च करते तो एक स्वीट स्पॉट पे मोटरोला हिट करता G6 Play के लिए. फिलहाल तो रिव्यू जरूर लेकर आऊंगा. स्नैपड्रैगन 430 चिपसेट है तो बेसिक टास्क कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट हैवी टास्क में श्योरली 430 एक पीछे रह जाता है. सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही. आप इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, और कोई वीडियो देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइए. मेरे पास रेडमी 5 भी है, इन्फिनिक्स और S3 भी है, एंड और डिवाइसेज हैं इसी प्राइस रेंज में. रियलमी 1 भी मैंने खरीदा है, उसकी अनबॉक्सिंग भी जल्दी आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगी. मैं कोशिश करूंगा इनके साथ स्पीड टेस्ट और कंपैरिजन जल्दी लेकर आऊं अपने चैनल पे. फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद.